आप सबका मैं वेलकम करना चाहूँगा और शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ जुड़े हैं, हम इकट्ठा हुए हैं, उसकी सदारत अगर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरियस मोस्ट एफर्ट्स हैं पेस्टोरल पॉलिसी के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट 2026 जिसका रेजोल्यूशन मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने किया, उससे एक साल पहले काफ़ी इकदाम ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में यहाँ पे शुरू ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें से कुछ मैं समरी यहाँ ब्रीफ करूँगा। हम सब कौन यहाँ पे आज इस हॉल में जुड़े हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है, और हम इकट्ठे क्यों हैं। आज हमारे पास यहाँ रिसर्चर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, मीडिया के साथी हैं। ये दर्शाता है कि यूनानिमिटी है इस अप्रोच में, एक डिसीजन जो हम करना चाहते हैं कि एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए और रिकॉग्नाइज करने के लिए पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को जम्मू एंड कश्मीर में इनका रोल यहाँ की इकोनॉमी में जो प्ले करते हैं। हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड जो है वो एक सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है कि सभी मुल्कों में इसके प्रोग्राम हों, बल्कि रीजनल और लोकल लेवल पर क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे हमारे कम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ माइग्रेट करती हैं, जो स्टेशनरी हैं, बॉर्डर एरियाज़ में हैं, हिली एरियाज़ में हैं, तो सभी कम्युनिटीज़ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी पॉलिसी बने जो यूनिफॉर्मली सबको अप्लाई ना हो, कि एक वेरिएबिलिटी, जैसे अभी हम वीडियो में बात कर रहे थे या विवेकानंदन जी अपनी प्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे, वो वेरिएबिलिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में लाने की ज़रूरत है और इनका रोल जो है वो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। आज एक दिन की जो वर्कशॉप है और उसके बाद एक दिन का जो फील्ड विजिट होगा, उसमें एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनेगी और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब ने कंसेंट किया और मुल्क भर में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। पेस्टोरल कम्युनिटीज़ की सिग्निफिकेंस में एक पर्सनल और इमोशनल बात करना चाहूँगा, ये मैं सोच के नहीं था आया, बट लगभग 10 साल एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सर मैंने काम किया है जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का जिक्र हम तब करते हैं जब हम इलेक्टोरल प्रिपेयरनेस करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स की हम बात करते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये लोग पहाड़ों से कब आएंगे या पहाड़ों पर कब जाएंगे, तो इलेक्शन का टाइम वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो वक्त बदला है और पिछले 3-4 साल में सिर्फ इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस के बियॉन्ड जाके सोशो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंट में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो रेंज लैंड और इकोसिस्टम सर्विसेज ये कम्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं वो क्या है, उस पर काफ़ी चर्चा हुई, उस पर बात हुई, उस पर पॉलिसीज बनी, प्लान बने, और आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि आज इनका रोल सोसाइटी के हर एक हिस्से में एक्नॉलेज किया जा रहा है। मुझे लगता है अभी भी हमारे पास शुरुआत है, क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है।